क्या आपने अपनी यूनिवर्सिटी की फीस अपने कंसल्टेंट को दी है? क्या आपने अपनी यूनिवर्सिटी से मिलने वाली स्कॉलरशिप की सारी जानकारी ली है? कहीं आपसे कोई जानकारी छुपाई तो नहीं जा रही? इस वीडियो में आप जानेंगे कि कैसे एक होनहार स्टूडेंट की स्कॉलरशिप कंसल्टेंट द्वारा ना ही सिर्फ छुपाई गई बल्कि उससे पूरी फीस भी वसूली गई। अगर आप भी इस तरह के फ्रॉड से बचना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें। इसी तरह की सही एवं सटीक जानकारी के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना एवं बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आगे आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिल सके। सभी फ्यूचर मेडिकल्स और पेरेंट्स को वित्त प्रकाश मेनुअल की तरफ से नमस्कार। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको जानकारी देना चाहेंगे कि किस तरीके से सिर्फ स्टूडेंट्स ही नहीं, कुछ कंसल्टेंट्स भी दूसरे कंसल्टेंट्स के फ्रॉड का शिकार हो जाते हैं। स्टोरी ये है कि शिंदा यूनिवर्सिटी चाइना ने 30 सीट्स के ऊपर स्कॉलरशिप निकाला था कि जिन स्टूडेंट्स के भी अबो 80% मार्क्स हैं और मेरिट लिस्ट में जो 30 स्टूडेंट्स ऊपर रहेंगे उनको यूनिवर्सिटी फर्स्ट ईयर की फुल स्कॉलरशिप प्रोवाइड करेगी, जो कि 30,000 RMB वहाँ की ट्यूशन फीस हो, पूरा स्टूडेंट को एज ए स्कॉलरशिप अवार्ड किया जाएगा। और ये 30,000 RMB स्कॉलरशिप हम यदि इंडियन करेंसी में बात करते हैं तो एक RMB अभी 11 रुपीज़ 50 पैसा के अप्रोक्स है, तो 3,45,000 के अप्रोक्स में टोटल अमाउंट ही INR में बनती है। स्टूडेंट ने इंडियन बेस्ड कंसल्टेंट से अप्लाई किया, इंडियन बेस्ड कंसल्टेंट ने चाइनीज़ कंसल्टेंट को अप्लाई किया, चाइनीज़ कंसल्टेंट ने एडमिशन लेटर निकाला। एडमिशन लेटर पे ये मेंशन किया गया था कि स्टूडेंट को शेंडोंग प्रोविंस की फुल स्कॉलरशिप मिली है, उनको फीस नहीं पे करनी और आपकी फीस इस स्कॉलरशिप से एडजस्ट कर दी जाएगी। चाइनीज़ कंसल्टेंट ने क्या किया कि जो इंग्लिश में 30,000 RMB लिखा था उसमें से एक ज़ीरो हटा दिया और उसको सिर्फ 3,000 RMB छोड़ दिया। जैसे कि इंडियन स्टूडेंट्स नहीं पढ़ सकते चाइनीज़ लैंग्वेज, लेकिन फिगर्स तो वहाँ भी थे और 30,000 RMB जो चाइनीज़ में लिखा था वो चाइनीज़ कंसल्टेंट उसको एडिट करना भूल गया। फिर ये जो इंडिया में बेस्ड कंसल्टेंट हैं उनको ये एडमिशन लेटर प्रोवाइड किया गया उस चाइनीज़ कंसल्टेंट की तरफ से, और इंडियन बेस्ड कंसल्टेंट ने ये एडमिशन लेटर स्टूडेंट को दे दिया। अब स्टूडेंट को लगा कि सिर्फ 3,000 RMB स्कॉलरशिप है, लाइक 34,000-35,000 के अप्रोक्स जो स्कॉलरशिप है वो वहाँ जाने के बाद मिल जाएगी, या फिर उसको लेट भी मिलती है तो उसको कोई दिक्कत नहीं है। मीनवाइल इंडियन बेस्ड कंसल्टेंट से चाइनीज़ बेस्ड कंसल्टेंट ने ये पूछा कि आप स्टूडेंट की फ़ीस मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र करवा दीजिए, और उस कंसल्टेंट ने उस स्टूडेंट की फ़ीस जिसको पूरी स्कॉलरशिप मिल चुकी थी और एडिटेड एडमिशन लेटर दिया उससे 3.5 लाख रुपये अप्रोक्स जो उस डेट पे RMB की वैल्यू थी उस हिसाब से उन्होंने वो पैसा अपने अकाउंट में डलवा लिया। जब स्टूडेंट को पता लगता है कि मेरी तो कोई फ़ीस वहाँ पे भी नहीं है, और इनफैक्ट उस चाइनीज़ कंसल्टेंट ने इंडियन कंसल्टेंट को स्टूडेंट को ट्यूशन फीस की एक फेक रिसिप्ट भी दे दी कि हमने आपकी 30,000 RMB ट्यूशन फीस कॉलेज के अकाउंट में पे कर दी है, ये आपकी फ़ीस रिसिप्ट भी है। स्टूडेंट ने जब ये वेरीफाई किया कि जब मुझे स्कॉलरशिप मिल चुकी है और मेरी फ़ीस की रिसिप्ट ये है, जब मैंने फ़ीस पे कर दी है तो या तो मुझे स्कॉलरशिप रिफंड मिले या फीस मुझे रिफंड मिले, दोनों में से एक चीज़ मुझे रिफंड मिले। मीनवाइल जब यूनिवर्सिटी से कॉन्टैक्ट किया गया तो यूनिवर्सिटी ने बताया कि आपकी कोई भी फ़ीस हमारे यहाँ पे नहीं है, क्योंकि आप तो फुल्ली फंडेड स्कॉलरशिप पे हो तो आपकी कोई फ़ीस पे करने की नीड भी नहीं थी। जब यूनिवर्सिटी के सामने मैटर आया तो वो भी थोड़े कॉन्शियस हुए कि अभी क्या करना चाहिए। अब इनफैक्ट वो अपनी तरफ से चाइनीज़ कंसल्टेंट को पुश करेंगे कि आइदर वो सेकंड ईयर में फ़ीस पे करे स्टूडेंट की या स्टूडेंट को फीस रिफंड करें। लेकिन इस पूरे इंसिडेंट से, पूरी स्टोरी से दो चीज़ें बहुत क्लियर सी हैं कि हम बहुत सारे हमारे वीडियोस में स्टूडेंट्स को और पेरेंट्स को सजेस्ट करते हैं कि आप ट्यूशन फीस या किसी भी तरीके की यूनिवर्सिटी की कोई भी फ़ीस किसी भी कंसल्टेंट को मत पे कीजिए, ना इधर आप कैश में पे कीजिए और आप उसको अकाउंट में डालिए। सेकेंड थिंग इसमें कंसल्टेंट्स के लिए सीखने की चीज़ है कि यदि आप किसी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के बारे में डिटेल्स नहीं जानते हैं या आपको दिया गया एडमिशन लेटर आप नहीं पढ़ते हैं या आप खुद क्रॉस वेरीफाई नहीं करते हैं तो आपको भी कितनी परेशानियां झेलनी पड़ सकती हैं। अब यदि चाइनीज़ कंसल्टेंट फीस देने में आनाकानी करता है या कुछ भी करता है तो आप मान के चलिए कि जो इंडिया बेस्ड कंसल्टेंट हैं वो ट्रेबल में होंगे, क्योंकि इंडियन कानून इंडियन लॉ तो उन पर लागू होगा। जो चाइना में बैठा है किसी थर्ड कंट्री में बैठा है उसके ऊपर यहाँ से कोई भी लॉ लागू नहीं होगा, ना आप उनको प्रेशराइज कर सकते हैं। इसलिए मेरी उन कंसल्टेंट्स को भी एक राय है, इनफैक्ट करेंगे तो सब आप अपनी मर्जी की, लेकिन आपसे एक राय है कि कम से कम इंडियन बेस्ड कंसल्टेंट देखिए, और जिस भी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन करा रहे हैं हो सकता है बच्चे को यदि ज़्यादा नॉलेज होता तो शायद आपके पास नहीं आता, लेकिन जब वो आपके पास आ रहा है तो उसको कहीं ना कहीं मन में विश्वास है कि आप उनको बहुत सही से गाइड करेंगे, एक एक चीज़ आप स्टेप बाय स्टेप गाइड करके आप उनको हर जगह हेल्प करेंगे। लेकिन जब आप ही ये डॉक्यूमेंट्स नहीं पढ़ पाते, आपको रूल्स रेगुलेशंस नहीं पता होते तो बच्चा तो विक्टिम बना ही बना, आप भी विक्टिम बने। इसलिए कोशिश कीजिए कि जो भी आपके रिलायबल कंसल्टेंट हैं उनके थ्रू आप एडमिशन्स लें, और स्टूडेंट्स और पेरेंट्स से एक रिक्वेस्ट है कि जहां भी अप्लाई करें उससे पहले पूरी जांच कर लें। एडमिशन लेटर जो आपको मिलता है कंसल्टेंट के द्वारा वो आप हमेशा से उसको कम से कम एक बार दो बार पढ़ें, आपको उसमें कुछ डाउट आता है तो आप कंसल्टेंट से कंसल्ट करें, और
कोई भी ट्यूशन फीस या किसी भी तरह की कोई फीस, कंसल्टेंसी फीस या जो भी प्रोसेसिंग फीस है उसके अलावा कोई भी फीस आप कंसल्टेंट के अकाउंट में मत डालिए, ना ही उनके ऑफिस में पे कीजिए, क्योंकि यदि वहाँ पे कुछ होता है तो एंड ऑफ द ईयर यूनिवर्सिटी और आप ही दोनों को एडजस्ट करना होगा यदि यूनिवर्सिटी के पास फीस नहीं पहुँची, और बीच में खुदा न खास्ता यदि आपका कंसल्टेंट ऑफिस बंद करके चला भी जाता है तो आपको पे करना पड़ेगा। और इसी तरह की और ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आपके यदि कुछ डाउट्स हैं तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट्स कर सकते हैं।